हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लंब वृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन का अध्ययन करेंगे। मानस, आज स्कूल में हम रामू चाचा का जन्मदिन मनाने के लिए पार्टी आयोजित कर रहे हैं। सभी बच्चे पार्टी में कुछ न कुछ लेकर आने वाले हैं। तुम क्या लाओगे? मैं सोच रहा हूँ कि पार्टी में आने वाले सभी लोगों के लिए टोपिया बनाऊं, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि हर टोपी बनाने के लिए मुझे कितने कागज की आवश्यकता होगी। इसका हल तुम्हें गणित के द्वारा मिल सकता है। इसका मतलब ये गणित का समय है। मानस, क्या तुम बता सकते हो टोपी के इस आकार को हम किस नाम से जानते हैं? मैं नहीं जानता थॉमस। टोपी के इस आकार को हम लंब वृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। यहाँ बिंदु ए इस लंब वृत्तीय शंकु का शीर्ष वर्टेक्स कहलाता है। ए बी इसकी ऊंचाई हाइट कहलाती है और बी सी आधार की त्रिज्या रेडियस कहलाती है। और क्या तुम जानते हो एसी इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट कहलाती है और यहाँ बी वृत्तीय आधार का केंद्र सेंटर है। मैं ये सब तो समझ गया, लेकिन इसका मेरे टोपियों में इस्तेमाल होने वाले कागज से क्या संबंध है? बताता हूँ। देखो, यदि हम तुम्हारी इस शंकु आकार की टोपी को उसके शीर्ष से जाने वाली किसी भुजा या किनारे के अनुदिश काटे और इस तरह खोल दे, तो पाएंगे कि इस आकार के कागज से तुम्हारी शंकु टोपी का पृष्ठ बना है। दूसरे शब्दों में इस आकार के कागज का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। सही? अरे वाह थॉमस, ये तो बहुत रोचक है। लेकिन एक मुश्किल है, हमें शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो ज्ञात ही नहीं है। कोई बात नहीं मानस, चलो हम ये सूत्र ज्ञात कर लें। देखो मानस, जिस भुजा के अनुदिश हमने शंकु को काटा है वो उसकी तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट होगी, जिसे हम L से व्यक्त करेंगे। अब यदि हम कागज को O से जाती हुई रेखाओं द्वारा सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लें, तो ये कटे हुए भाग लगभग त्रिभुज के आकारों के नजर आएंगे। और मजेदार बात ये है कि इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई L के बराबर है। मानस, देखो प्रत्येक टुकड़ा त्रिभुज के आकार का है, तो क्या तुम मुझे प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हो? प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 × उसका आधार / ऊंचाई, जो यहाँ L है। शाबाश मानस। और देखो, पूरे कागज का क्षेत्रफल इन सभी टुकड़ों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। अब यदि हम इन सभी त्रिभुजों के आधारों को क्रमशः B1, B2, B3 इत्यादि लिख कर दर्शाएं, तो हम इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग को इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन थॉमस, B1, B2, B3 इत्यादि तो मिलकर इस आकृति के वक्रित भाग को बनाते हैं, तो इन सभी का योग तो इस आकृति की पूरी वक्रित परिसीमा की लंबाई के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक। और इस वक्रित भाग से शंकु का आधार बनता है, और जैसा कि हम जानते हैं
इस आधार की परिधि 2πr होगी, जहां r आधार की त्रिज्या है। अरे वाह थॉमस, कागज का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। इसलिए देखो, हमें शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया, जहां r आधार की त्रिज्या और l शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। और देखो मानस, यदि हम शंकु की ऊंचाई को h माने तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देख सकते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या तुम जानते हो मानस, यदि शंकु के आधार को बंद रखा जाता है तो हमें ढकने के लिए r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े की आवश्यकता होगी, जिसका क्षेत्रफल होगा पाई गुणा r का वर्ग। अब अगर हम इसे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में जोड़ दें, तो हमें शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का सूत्र मिल जाएगा। चलो अब मैं जल्दी से शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में r और l की जगह क्रमशः मेरी टोपी के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर लिखकर इसे जल्दी से सुलझा लेता हूँ। देखो थॉमस, मुझे एक टोपी बनाने के लिए 220 वर्ग सेंटीमीटर कागज की आवश्यकता होगी। चलो अब हम जल्दी से इन दोनों सूत्रों को सूत्र पुस्तिका में लिख लें और अपनी दुनिया में लौट चलें। मैं तुम्हारी टोपियां बनाने में मदद कर दूंगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर ढेर सारी टोपियां बना ली और धूमधाम से रामू चाचा का जन्मदिन मनाया। इस वीडियो में हमने लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।